15 दिन के लिए कोई अपने मायके चला जाएगा तो इसका मतलब कि वो महिला डाइवोर्स दे देगी क्या पति को? ये कहाँ लिखा है इस विषय में? ऐसे तो मैंने आप लोगों के माध्यम से, एक जर्नलिस्ट के माध्यम से अपना विचार रखा ही है, और मुझसे ज़्यादा तो मुझे आप सब लोगों से पूछना है, त्रिपुरा की जनता से पूछना है, जिन्होंने इतने स्नेह इतने प्यार से हमें यहाँ तक भेजा है, कि वो एक महिला और उसके परिवार के प्रति क्या विचार करना चाहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक CM का मैटर नहीं है, ये स्टेट की प्रेस्टीज का मामला है, एक औरत की इज्जत का मामला। जैसे परिवार मेरा है, मैं जैसे बहू हूँ, बेटी हूँ, बीवी हूँ, माँ हूँ, इसी तरह आप सबके भी घरों में हैं, तो कितना बच्चों पे, फैमिली पे बुरा असर आता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन सबकी होती है, सबके परिवार में हर कोई अपने मायके जाती है महिला, तो क्या 15 दिन के लिए कोई अपने मायके चला जाएगा तो इसका मतलब कि वो महिला डाइवोर्स दे देगी क्या पति को? ये कहाँ लिखा है? आपको मेरा लगता है दो सवाल है। पहला ये है कि आपको लगता है कि ये बेसिकली ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, और सेकंड ये चीज़ है कि आप त्रिपुरा की बेटी है, ठीक है, तो जो जो मेंटल ट्रॉमा आपने सहा है तीन दिन, आप क्या माफ कर पाएंगे? जहाँ तक पॉलिटिकली कॉन्स्पिरेसी का मामला है, तो मैं तो यही मानती हूँ कि जो भी ऑपोजिट है, जो भी ऑपोजिशन, जो विचारधारा के विपरीत सोचते हैं, इस तरह में हम सब मिलके त्रिपुरा को मॉडर्न स्टेट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि विप्लव जी एक बहुत ही ऑनेस्ट सरकार चला रहे हैं, और जब आप ऑनेस्ट सरकार एक सच्चाई के पथ पे चलते हैं तो आपके आगे कांटे ही कांटे होते हैं, आप नॉर्मल रास्ते को लेकर नहीं चल सकते। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिए ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो। हम जानते हैं अगर ये आज विप्लव जी के आगे इस तरह की समस्या, उन्हें मानसिक तनाव नहीं दे पाएंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे ना, खुल के काम, जो उनकी विचारधारा है, जो हम जिस दिशा में काम करना चाहते हैं। तो ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी तो है ही। आप देखिए, इलेक्शन तक वेट किया, मैं तो इतने दिन से खड़ी हुई हूँ, लेकिन इलेक्शन जैसे त्रिपुरा का ओवर हुआ, उन्होंने बंगाल में कैंपेनिंग शुरू किया, दिख रहा है कि बंगाल का माहौल भी त्रिपुरा जैसा बन रहा है, वो वहाँ भी उनको लोकप्रियता मिल रही है। ऐसे ही समय में ऐसी चीज़, इतना छोटा चीज़ को सामने ला के उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की ना।